से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है और गलत व्यक्ति खाद्यान्न का लाभ नहीं ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सोच है कि किसानों के उत्थान के बिना बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं किया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर लाभुक राशन ले सकते हैं। प्रत्येक लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार, झारखंड देख रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने किसान और साथ ही बिहार के वो तमाम जो राशन लेने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा खुशखबरी दे रही है, बता रही हैं कि कैसे बिहार के या तमाम ऐसे जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं वो अपना राशन कैसे ले लें। उनके साथ ही बता रही है कि कैसे जो पॉस मशीन आया है इससे कैसे जो राशन में जो गड़बड़ी होती थी उस पर नकेल कसी जा रही है। तमाम ऐसे चीज़ों को बता रही है, धान की खरीद हो या गेहूं की खरीद हो, तमाम जो फसल है उसकी खरीद हो रही है उसको लेकर भी बता रही है क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। बल्लापुर के बयानों को सुनिए। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में गरीबों के लिए समर्पित रहने वाला विभाग है। गरीबों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न पहुंचाने के लिए विभाग संकल्पित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8,35,00,000 लाभुकों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पहुंचाने का कार्य खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कर रही है। इसके लिए 51,185 जन वितरण प्रणाली की दुकान कार्यरत है। कुल राशन कार्डधारियों की संख्या 1,97,00,000 है। प्रत्येक लाभुक को 5 किलोग्राम अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 1 किलोग्राम गेहूं, 4 किलोग्राम चावल दिया जाता है। आप सबों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राज्य के अंदर किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर लाभुक राशन ले सकते हैं। यानी अब लाभुक को किसी एक जन वितरण प्रणाली की दुकानदार पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रही है। वहीं राज्य के बाहर रह रहे लाभार्थी देश के अन्य जन वितरण दुकान से राशन ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में राज्य के राशन कार्डधारियों को किसी भी जन वितरण प्रणाली के दुकान पर संधारित ई पॉस मशीन के माध्यम से ई केवाईसी आधार शिविर की सुविधा कर दी गई है। ई केवाईसी से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आई है और गलत व्यक्ति खाद्यान्न का लाभ नहीं ले सकते हैं। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग केवल गरीबों को राशन नहीं देती, बल्कि हमारे जो अन्नदाता हैं किसानों को धान फसल के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले इसके लिए व्यवस्था करती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सोच है कि किसानों के उत्थान के बिना बिहार को आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं किया जा सकता है। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में राज्य के रैयती तथा गैर रैयती किसानों से 45,00,000 मीट्रिक टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के विरुद्ध 30,80,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। खरीफ विपणन मौसम 24-25 में
भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए साधारण धान 2300 रुपया प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान 2320 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ। धान अधिप्राप्ति की तैयारी विभाग में चल रही है। शेष हमारे खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जो कर्तव्यनिष्ठ सचिव हैं डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी से कहूंगी कि विस्तार पूर्वक बिंदुवार आंकड़ा सहित आप सबको संबोधित। तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह बता रही है कि पॉस मशीन आने से जो कालाबाजारी होता था, दूसरे के नाम से दूसरे लोग जो राशन उठाते थे उस पर अब नकेल कसी जा रही है। इसके साथ ही बता रही है वन नेशन वन राशन का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी सराहनीय है। अब आप देश में कहीं भी अपना राशन उठा सकते हैं। पॉस मशीन आने से ये सारी सुविधाएं जो बिहार के लोग हैं या देश के लोग हैं उनको अब मिल रही है। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह के तमाम खबरें बने रहे, अब फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल।